हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप पर। आज वापस हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए आज जून 13th का करंट अफेयर्स लेकर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेली का करंट अफेयर्स और उससे जुड़ी हुई फैक्ट न्यूज़ और उस पर बनने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो स्टैटिक जीके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो करंट न्यूज़ है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको अपनी स्क्रीन पर मिलता रहे। उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसके अंदर पूरे दिन बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड क्विज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का वो है, हु वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज। तो 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? तो इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर ए के पात्रा, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर जोहन बूमा और डॉक्टर आई शेखर। तो फेक न्यूज़ इसका डिस्कस करते हैं, इंडियन अमेरिकन सोइल साइंटिस्ट विंस 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज। तो अमेरिका में रहते हैं और ये भारतीय मूल के निवासी हैं, इनको क्या मिला है? 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। उनका नाम क्या है? नाम है रतन लाल, डॉक्टर रतन लाल। वॉज अवार्डेड फॉर हिज रोल इन डेवलपिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग ए सोयल सेंट्रिक अप्रोच टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। वर्ल्ड फूड जो प्राइज है स्टार्ट कब हुआ था? 1987 से स्टार्ट है और पहली बार ये किसको मिला था? ये एक इंडियन को मिला था, उनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इज द फर्स्ट अवार्डी ऑफ दिस अवार्ड वर्ल्ड फूड प्राइज। और उनको क्यों मिला था? बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, उनको यह पहली बार अवार्ड मिला था। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, डॉक्टर रतन लाल को यह अवार्ड मिला है। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हैं, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक किसको कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। हु इज द फर्स्ट अवार्डी ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज, जो जिनको जनक कहा जाता है हरित क्रांति का, ग्रीन रिवोल्यूशन का, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट रहेगा। When was the World Food Prize awarded? First time कब award दिया गया था? 1987। अभी हमने discuss किया था 1987 से ये start है, तो 1987 में ये पहली बार award दिया गया था World Food Prize, और इस बार मिला है डॉक्टर रतन लाल को। Where was the Deep Submarine? Next जो question है, Where was the Deep Submarine Rescue Vehicle Complex inaugurated? कहाँ start हुआ है Deep Submarine Rescue Vehicle? Option मद्रास, बम्बई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम। तो इसका जो न्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स इनोग्रेट हुआ है वाइजैग में, और DSRV कॉम्प्लेक्स को इनोग्रेट किया था वाइस एडमिरल जो नेवी के हैं अतुल कुमार जैन, और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एस्टर्न नेवल कमांड ENC के विशाखापट्टनम में यह लॉन्च हुआ है 10 तारीख। तो ऑप्शन अपना क्या राइट रहेगा? ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS रैंक्ड किस रैंक, कौन सी रैंक मिली है इनको 2020 के नेचर इंडेक्स में? तो IACS जो इंस्टीट्यूट है इसको 2020 के नेचर इंडेक्स में कौन सा रैंक मिला है? ऑप्शन ए 5th, 7th, ऑप्शन सी है 9th और डी ऑप्शन है 12th। तो जो न्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं, नेचर जो इंडेक्स है वो जारी कौन करता है? पॉपुलर स्प्रिंगर नेचुरल, जो कि बेस्ड क्या रहता है इसका? बेस रहता है जो वर्ल्ड लेवल के 82 साइंटिफिक जर्नल्स है उनके अंदर जो रिसर्च पब्लिश हुई है उसके बेस्ड पे ये रैंकिंग जारी की जाती है इंस्टीट्यूट की। तो द नेचर रिसर्च ए डिवीजन ऑफ द पॉपुलर स्प्रिंगर नेचर रिसेंटली रिलीज नेचर इंडेक्स, और इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके इंस्टीट्यूट्स को भी जगह मिली है। 3 इंस्टीट्यूट्स को टॉप 30 में रैंक मिली है। इंडिया को ओवरऑल रैंकिंग जो मिला है 12th मिला है। फर्स्ट जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, फर्स्ट है USA, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी, UK एंड जापान। फर्स्ट आपको याद रखना है, हु इज़ द फर्स्ट कंट्री इन नेचर इंडेक्स? USA। और इंडिया का रैंक आपको ध्यान रखना है वो है 12th रैंकिंग। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स अमंग टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन 2020 नेचर इंडेक्स,
तो फर्स्ट जो इंडिया में फर्स्ट रहा है उसका 7th पोजीशन है IACS, जो अभी क्वेश्चन पूछा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता का इंस्टीट्यूट है, इसको 7th पोजीशन मिला है। उसी के साथ JNCSR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर, इसका पोजिशन है 14th, और कोलकाता का एसन बोस नेचुरल सेंटर फॉर बेसिक साइंस इंस्टीट्यूट को 30th पोजिशन मिली है। टॉप 30 में 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, दीज ऑल आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट हैं वो हैं CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका पोजिशन है 160th, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर का पोजिशन है 184th। तो जो अपना क्वेश्चन था वो था IISc का रैंक क्या रहा है, 7th रैंक रहा है, ऑप्शन बी। इस पे बेस्ड अदर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, IISc बेंगलोर का रैंक क्या है, 184th रैंक मिला है। विच DST इंस्टीट्यूट रैंक्ड अमंग द टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन द 2020 नेचर इंडेक्स। तो 3 जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रैंकिंग क्या है, 7, 14। 7 का मल्टीपल, एक तो थर्ड टॉप 30 अपने को याद रखना है, देखो तो 30th पे है। उसके अलावा जो 2 पोजिशन है वो कैसे याद रख सकते हो, 7th एंड 14th, 7 का जो जस्ट मल्टीपल है नेक्स्ट सेकेंड 14। तो IISc 7th पे है, JNCR 14th पे है, एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता, इसको मिला है 30th रैंक। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड एन ऑटोमेटेड मास्क डिस्पोजल मशीन नेम्ड BIN, BIN-19 नाम का ऑटोमेटिक मास्क डिस्पोजल मशीन किसने बनाया। ऑप्शन है माई लेब्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे, जेनरिक सॉल्यूशंस, VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस, और डी ऑप्शन है CSIR। तो इसका फेक न्यूज है वो डिस्कस करते हैं। केरला का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस, उन्हें SCTIMST श्री चित्रा ट्रिनोनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक अल्ट्रा वोलेट लाइट बेस्ड डिस इन्फेक्शन मशीन तैयार किया है, जिसका मेन पर्पस क्या है, जो मास्क को क्या करता है, डिस्पोज करता है। तो ऑप्शन अपना यहाँ राइट क्या रहेगा, VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। विच मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए जॉइंट स्कीम कम्युनिकेशन फोरम टू प्रमोट कॉमन पॉलिसी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने साइंस एंड कम्युनिकेशन फोरम क्या किया है, स्टार्ट किया है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका न्यूज है वो डिस्कस करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST कॉन्स्टिट्यूट ए जॉइंट साइंस कम्युनिकेशन फोरम टू प्रमोट कॉमन पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो DST ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में क्या किया है, जॉइंट साइंस कम्युनिकेशन फोरम स्टार्ट किया है, और इसमें द फोरम विल बी सर्व्ड बाय ए सेक्रेटरीट एट द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC, हु लॉन्च द स्कीम। तो इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो एक ये भी बन सकता है कि इसमें जो पार्टनर है वो कौन रहेगा, NCSTC। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु लॉन्च द स्कीम सहकार मित्र, सहकार मित्र स्कीम को किसने लॉन्च किया था। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना क्या किया है, शुभारंभ किया है। और ये स्कीम है क्या, ये स्कीम बेसिकली कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स के लिए है टू एक्सेस द इनोवेटिव आइडियाज ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। तो जिनको क्या है, यंग प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये स्कीम है। द स्कीम इज एन इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द यूथ इन द कंट्री, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसका इनिशिएटिव है, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये स्टार्ट किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, एंड दिस स्कीम मेनली फोकसेस ऑन यूथ ऑफ द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स एंड इट इज ऑल्सो प्रमोशन ऑफ वोकल फॉर लोकल अंडर द आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में अनाउंसमेंट किया था, आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम जो लॉन्च किया था उसी के वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सहकार मित्र स्कीम लॉन्च की गई है। सहकार मित्र स्कीम इज एन इनिशिएटिव, ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे, दिस इज द
टीओ एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का यह है इनिशिएटिव है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिकम फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम डिजिटल कम्प्लीटली, मीन्स ये पूरी तरह से डिजिटल ही हो चुका है। इसके जितने भी डाटा अवेलेबल हैं दिस ऑल आर स्टोर्ड ऑन क्लाउड बेस्ड डेटा लेक, डेटा लेक के ऊपर स्टोर्ड हैं, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम डिजिटली कम डिजिटल। इसके जो चेयरमैन है एनएचएआई का उनका नाम है सुखवीर सिंह संधू। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 40th जीएसटी काउंसिल मीट हुआ उसकी चेयरमैनशिप की, तो पूछा जा सकता है हु इज द हेड ऑफ और हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 14th जीएसटी काउंसिल मीट, तो जीएसटी काउंसिल मीट के जो चेयरपर्सन है वो कौन थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट फिफा ने रैंकिंग जारी की है, इंडिया का रैंक कितना है 108 एंड बेल्जियम रिमेन्स एट द टॉप, तो फिफा में इंडिया का रैंकिंग कितना है 108, रिमेनिंग पिछले लास्ट रैंकिंग भी इंडिया का 108 था और अभी बेल्जियम क्या है टॉप पे। फीफा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, और स्टार्ट कब हुआ था 1904 से इसका स्टार्टअप हुआ है और हेडक्वार्टर का है ज्यूरिच, ज्यूरिच में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है पंचवटी योजना लॉन्च्ड, पंचवटी योजना कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने यह क्या की है स्टार्ट की है, और अंडर दिस स्कीम क्या है अराउंड 100 पार्क्स क्या पार्क डेवलप किए जाएंगे फॉर द सीनियर सिटीजन्स के लिए, और उन पार्क के अंदर जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अपना जो भी सामान है वो बेच सकते हैं, तो दिस इज द स्कीम फॉर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है जगम्मा चेडोडू स्कीम किस राज्य से बिलोंग करती है, इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, तो इसका जो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। स्कीम है क्या जगम्मा चेडोडू स्कीम लॉन्च्ड बाय द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी रिसेंटली लॉन्च्ड जगन्ना चेडोडू स्कीम, स्कीम दिस इज स्कीम फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बार्बर टेलर्स एंड वॉशरमैन्स, जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसके अंदर जो बार्बर टेलर एंड वॉशरमैन्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की है, और इस स्कीम के तहत 10,000 रुपये एक पर्सन को क्या है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और अराउंड 2.47 लाख क्या होंगे इसके बेनिफिशरीज होंगे, और 247 करोड़ रुपये क्या है इस स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अदर स्कीम ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन आंध्र प्रदेश आर रायतु भरोसा पेंशन कनुका अम्मा वोड़ी विद्या देवा वहन मित्रा वशिष्ठ देवान नेथन नेस्थम मत्स्य कर भरोसा, दीज आर द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी रिसेंटली, तो ये स्कीम इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग लॉकडाउन आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीम लॉन्च की गई है, आगे आने वाले एग्जाम में स्कीम्स कोई भी पूछी जा सकती है, स्कीम्स रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा बहुत चांसेस हैं कि इन दो स्टेट्स के स्कीम्स का पूछा जाए बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोकेटेड ₹40,000 करोड़ अंडर द जगन्न विद्या दीवान स्कीम, यह एक बहुत बढ़िया स्कीम है जिसके तहत क्या है 14 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स की फीस को क्या है माफ़ किया गया है और 4,000 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अंडर द विद्या दीवान स्कीम बाय द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी। इसके अलावा रीस्टार्ट प्रोग्राम इज ऑल्सो लॉन्च्ड इन द आंध्र प्रदेश, दिस इज फॉर द एमएसएमई सेक्टर। नेक्स्ट है सोवनी स्कीम, सोवनी स्कीम दिस बिलोंग्स टू द गुजरात, और सोवनी का फुल फॉर्म क्या है सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन स्कीम, सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन स्कीम और सोवनी स्कीम इज लॉन्च्ड बाय गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, दिस स्कीम इज वेरी ओल्ड, थर्ड फेज ऑफ दिस स्कीम इज रिसेंटली लॉन्च्ड, द स्कीम टू इज टू फिल 115 डैम्स विद नर्मदा वाटर बाय अगस्त 15, 2020 एंड मार्च 2021, अगस्त 15, 2020 से लेकर मार्च 2021 तक थर्ड फेज इसका स्टार्ट रहेगा जिसके तहत 115 डैम्स को क्या है फिल किया जाएगा अंडर दिस सोवनी स्कीम। फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था 2016 में, मींस दिस स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2016 बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एट एजीआई 3 डैम्स पे इसको स्टार्ट किया था, उसके अंदर सेकेंड फेज इसका स्टार्ट किया गया था जिसके तहत 500
41 किलोमीटर पाइपलाइन का वर्क किया गया टू फिल द 57 रिजर्वर्स बाय अगस्त 2020। मीन सेकंड फेज अगस्त 2020 में खत्म होगा, उसके बाद थर्ड फेज स्टार्ट होगा जिसके तहत 115 डैम्स को फिल किया जाएगा बाय नर्मदा वाटर। नेक्स्ट है पुलिस यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन बैंड बाय अमेजन। तो ई कॉमर्स जायंट अमेजन ने क्या किया है, पुलिस के यूज पर बैन लगा दिया है। जो उसका सॉफ्टवेयर है रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो फेशियल जो फेस क्या करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसके अंदर था उजेंट फोटोज के अंदर फेस को मैच किया जाता है, एंड अमेजन ने क्या किया है पुलिस के यूज पर इसके बैन लगा दिया है। द सॉफ्टवेयर यूज टू क्विकली कंपेयर ए पिक्चर विद द पुलिस डेटा बेस दैट होल्ड्स हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ फोटोज। नेक्स्ट हु रिलीज द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019। तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यह जारी करता है द यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की है, उसके तहत इस रिपोर्ट में क्या अनाउंसमेंट किया गया, इंडिया हैज प्रोविडेड सेवरल इंटरनेशनली फंडेड एनजीओज। बहुत से एनजीओज को भारत अपने यहाँ वर्क करने नहीं देता है, और ये 2010 से हो रहा है, और यह कौन से एक्ट के तहत होता है, ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के तहत एनजीओज को, फॉरेन बेस्ड एनजीओज को यहाँ काम करने से रोका जा सकता है, और यह इस रिपोर्ट में अनाउंसमेंट किया गया है और रिलीज किया गया है द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट बाई द यूएस गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स ये था आज का जून 13 का करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया डेली करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसी के साथ उस पर बेस्ड प्रोबेबल क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलें।